Hello everyone, today we are going to learn about the human digestive system from class 10th. This is the most expected topic that has to become in the 10th board classes. So human digestive system is consist of two parts, that is first one is alimentary canal, जो कि एक 9 meter long tube है, जिसके अंदर सबसे long part जो है वो small intestine रहता है, that is 6.5 meter long. And the next thing is their digestive glands. Three glands are there. Number one is salivary gland, number two is liver, and the number three is pancreas. So we are going to discuss all these things in detail. First of all, from the buccal cavity or the mouth, we are having a common opening, that is pharynx. And this pharynx opens into two tubes. Number one is esophagus and number two is windpipe. So we are not going to talk about here about the trachea because it is not included in the digestive system. The esophagus is a long tube that exhibits peristalsis are the movement that exhibit rapid contraction and relaxation, जिसकी वजह से food जो है mouth से सीधा जाता है stomach के अंदर. Stomach is a J-shaped organ. इट इज एन इलास्टिक ऑर्गन. ये ऑर्गन जो है इलास्टिक रहता है. इस यहां पर आपका जो फूड है वो 3 to 4 hours के लिए रहेगा. स्टमक के अंदर पार्शियल डाइजेशन हो जाती है. यहां पर सिक्रीट होता है आपका गैस्ट्रिक जूस एंड दिस गैस्ट्रिक जूस इज हैविंग HCl, पेप्सिन इन द फॉर्म ऑफ प्रोपेप्सिनोजन एंड म्यूकस. HCl किल्स द बैक्टीरिया, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़कर बनाता है अमीनो एसिड. प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स फूड एंड अमीनो एसिड इज अ सिंपल फूड. देन वी आर हैविंग म्यूकस. म्यूकस स्टमक की वॉल को बचाएगा क्योंकि यहां पर प्रेजेंट होता है HCl और HCl के एक्शन से स्टमक की वॉल को बचाएगा यहां पर म्यूकस. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी. लीवर के पास होती है दो लोब, लेफ्ट एंड राइट लोब, और इसके पास ही एक हैंगिंग स्टाइल में यहां पर प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर. दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर. लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस और जो एक्स्ट्रा बाइल जूस होता है दैट विल बी स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. और जब भी यहां से जरूरत होगी गॉल ब्लैडर से जो जूस है वो सीधा इस ट्यूब के अंदर आएगा और ये ट्यूब जो है कनेक्टेड है आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट से और ड्यूओडेनम के अंदर सारा जूस जो है वो रिलीज हो जाएगा. ड्यूओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. सो वी आर हैविंग द लीवर. एक्स्ट्रा जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और ये गॉल ब्लैडर जब भी जरूरत होगी गॉल ब्लैडर से जो जूसेस हैं वो चले जाएंगे आपके पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलने एंड देन इट विल ओपन्स फाइनली इनटू द ड्यूओडेनम. सो देयर आर टू ग्लैंड्स. लार्जेस्ट ग्लैंड इज द लीवर एंड वन मोर इज देयर, दैट इज पैनक्रियास. माउथ के अंदर एक और ग्लैंड प्रेजेंट था, दैट वाज सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवरी जूसेस जो है वो रिलीज किए जाते हैं. देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. वन इज प्रेजेंट एट द बिलो द टंग, वन इज एट द मैक्सिला एंड वन इज बिलो द टंग. सो वन इज बिलो द ईयर, वन इज बिलो द टंग एंड वन इज एट द मैक्सिलरी एंड. सो थ्री टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर. सलाइवरी जूस विल बी सिक्रेटेड बाय दैट एंड इन द सलाइवरी जूस देयर विल बी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज. तो वहां पर जो है आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर जो है टूटना स्टार्ट हो जाती हैं. सो बेसिकली डाइजेशन स्टार्ट्स इटसेल्फ इन माउथ. देन दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कम्स इनटू द स्टमक एंड दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज बॉलस. उसके बाद स्टमक के अंदर पार्शियल डाइजेशन होगा. डाइजेशन जो है इट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन. बेसिकली पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ने की कोशिश करेगा. उसके बाद फूड विल गोज इन साइड द ड्यूओडेनम. ड्यूओडेनम के अंदर दो चीजें जो है अपना अपना जूस रिलीज करने वाली है. वन इज पेनक्रियास एंड द नेक्स्ट वन इज लीवर. सो लीवर जो है वो सिक्रीट करती है बाइल जूस. बाइल जूस के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फैट्स को एमल्सीफाई करेंगे, एमल्सीफिकेशन ऑफ फैट. एंड व्हाट इज एमल्सीफिकेशन ऑफ फैट? जो लार्ज लार्ज अपने फैट के ग्लोब्यूल्स अपनी बॉडी के अंदर लेके गए हो उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ना. उसके बाद पेनक्रियास. पैनक्रियास के अंदर भी ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है. ट्रिप्सिन अगेन प्रोटीन्स को तोड़ता है. उसके अलावा लाइपेज यहां प्रेजेंट है. लाइपेज जो है छोटे जो फैट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनको वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देगा. इसके अलावा शुगर्स भी यहां पर टूटती हैं. सो बेसिकली ऑल दीज फूड
nutrients, that is basically protein, that is basically sugars and fats, all are going to break down in the small intestine. And the first part of small intestine is duodenum, second part is jejunum, and the third part is highly coiled part is ileum. So here in the small intestine, all the digestion will be completed here. Complete digestion of food take place here. In the small intestine, you are having the finger-like structure that is known as villi. And with the help of villi, you can absorb all the nutrients, basically proteins means amino acid ki form mein and simple sugars ki form mein. Lekin yahan par jo aapne fat khaya tha aur fat toot chuka hai fatty acid aur glycerol ke andar, fatty acid aur glycerol ye absorb villi nahi kar paati. Iske liye yahan par present hoti hai lacteals. So lacteals se fat absorption hota hai. फैट के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होगी, उसकी वजह से ही वो अब्सॉर्ब हो पाएगा. इसीलिए बोलते हैं कि फैट जो है वो इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता. लेटर ऑन द अनडाइजेस्टेड फूड विल पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड हेयर आर सम पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो, दैट इज असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन एंड ट्रांसवर्स कॉलोन. दिस इज द असेंडिंग कॉलोन, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉलोन एंड दिस इज द डिसेंडिंग कॉलोन. इसके अलावा भी यहां पर एक सिग्मोइड कॉलोन भी प्रेजेंट होती है. लेटर ऑन देर इज अ रेक्टम, अनदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा एंड दैट विल पास थ्रू द एनस. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स फॉर क्लास 10.